तो बच्चों हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग सेम उसी प्रोसीजर से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर को अगर 13 से मल्टीप्लाई करना हो तब क्या किया जाता है, देखिए सेम प्रोसीजर 11 के लिए था, 12 के लिए था, 13 के लिए था। केवल चेंजेस इतना होता है कि 11 में आपको हर डिजिट को उसकी लेफ़्ट डिजिट के साथ डायरेक्टेड किया जाता है, 12 में हर डिजिट को लेफ़्ट डिजिट के डबल से ऐड किया जाता है, और 13 में बाई कॉमन सेंस क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है। ठीक है, तो हर डिजिट को उसके लेफ़्ट डिजिट के ट्रिपल से या 3 टाइम्स से ऐड किया जाता है। चलो, और सेम प्रोसीजर लास्ट डिजिट को हम लोग कैसे रखते थे, 11 में डायरेक्ट रखते थे, 12 से मल्टीप्लाई कराने पे डबल करके तब रखते थे। अब 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके तब रखेंगे। तो 9 3 जा कितना होता है, 27। 27 का 7 यहाँ रखा, 2 कैरी ऊपर चला गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट हैंड में कौन है, 8। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट ऐड नहीं करना, हमें पता है क्या करेंगे हम, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24, और 24 को 2 से ऐड करें, 24 प्लस 2 26, 26 को अब 9 से ऐड करेंगे, तो 26 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 35। 35 का 5 नीचे आ गया और 3 कैरी ऊपर आ गया। ठीक है, सेम प्रोसीजर अब फॉलो करेंगे हम लोग। अब 8 के लेफ्ट में कौन है, 3। 3 का पहले ट्रिपल कर लो, तो 3 का ट्रिपल मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 में 3 ऐड किया कैरी वाला, 12, और 12 में 8 ऐड किया तो कितना आ गया, 20। 20 का 0 यहाँ रखा, 2 ऊपर पहुँचा दिया। ठीक है, अब 7 का 3 टाइम्स करेंगे, 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 3 26, तो 26 का 6 नीचे रखा और 2 कैरी आगे पहुंचा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 का 3 टाइम्स, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, और 17 प्लस 7 एक मिनट, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, और 17 प्लस 7 24 का 4 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया। फिर अब 2 का 3 टाइम्स करेंगे, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, और 8 में 5 ऐड किया तो 13, 13 का 3 यहाँ पे आ गया और 1 आगे आ गया, यहाँ नंबर ख़त्म हो जाता है, तो आगे क्या ले लेंगे, 0। 0 का 3 टाइम्स करेंगे, 0, 0 का 1 में ऐड करेंगे, 0 प्लस 1 1, 1 का 2 में ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 3, तो ये आपका आंसर आ गया, 3 3 4 6 0 5 7। तो ये 3 वीडियो में हमने आपको किसी भी नंबर को 11 से, 12 से और 13 से मल्टीप्लाई करना सिखाया है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेम प्रोसीजर आप 14, 15, 16, 17 के लिए कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जब 4 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5 आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब ये शॉर्ट ट्रिक ना रह के बल्कि एक बहुत ही लेंथी वर्क हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर 11 और 12 के लिए प्रोसीजर फॉलो करते हैं, बाकी नंबरों को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की भी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।